चलो भाई, हम लोग कह रहे थे अभी फैक्टराइजेशन, और उसमें क्या है, साथ हम लोग कह रहे थे कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हाँ भैया, चलो अब डेट क्या है आपका आज? आई थिंक 6th of May। चैप्टर चल रहा है अपना पॉलिनोमियल्स। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्क्राइब अबाउट व्हाट द पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है। क्या था भाई? सच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, इन विच द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, व्हाट एवर द वेरिएबल विल बी दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो पी एक्स है, इक्वल्स अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल कंटेन्स नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। एक छोटा सा लाइन था सर, आप नहीं बताए हैं, और एक क्लास में कई बार बोले रहे होंगे। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना। एक क्लास में 100% कंसंट्रेटिव रहिए, अटेंटिव रहिए, चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी, और रिपीट कीजिए जब हम बोले। तो क्या हो गया? सच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल कंटेन्स नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका हम लोग जनरल फॉर्म भी कर रहे थे, उसमें क्या था? कैन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए जीरो एक्स पावर जीरो, ऐसा कुछ था ना, ए वन एक्स पावर वन, ए टू एक्स पावर टू एंड सो ऑन, कुछ ऐसा था, ए जीरो एक्स पावर जीरो, ए वन एक्स पावर वन, ए टू एक्स पावर टू, डॉट डॉट डॉट, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स पावर एन। इसको हम लोग कहें पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल कौन सा यूज है? एक्स, तो उसको हम लोग कहें पॉलिनोमियल इन एक्स। और हमने उस दिन भी कहा था कि पॉलिनोमियल पी से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द पी। आप इसके जगह पे एफ एक्स यूज कर सकते हो, आप इसके जगह पे जी एक्स यूज कर सकते हो, व्हाट एवर द लेटर यू हैव टू यूज यू कैन, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लो ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या कहा गया? दूसरा वर्ड आया था डिग्री। अच्छा, ये सारे के सारे क्या थे बुआ? रियल नंबर्स थे, मतलब कोफिशियंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स क्या होता है? हाँ, एक मिनट, बउवा खड़ा होंगी। आपका नाम है? यशस्वी जी। हाँ, तुम बताओ। हाँ सर, हाँ दिव्या दीदी बताइए। रियल नंबर्स, यस। बताओ। हाँ, ये तो चीटिंग करके नहीं बोली है। हाँ सर, हम पहाड़ भी बोले रहे, सब बोलेगा कि दूसरा कोई। हाँ, वही वाली बात है। देखो, कुछ लोग ही होते हैं, पैदा ही लिए होते हैं दूसरे की बस बस, वो अपना उनको फिक्र नहीं है, उनको अपना फिक्र ही नहीं है, और ऐसे बच्चे कभी ग्रोथ करेंगे नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। उसको क्या कहते हैं? बैठ जाओ, सही बोला आपने। दोज नंबर्स विच स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव, वैसे नंबर जिनका स्क्वायर क्या होता है? नॉन नेगेटिव। अब बाबू जी का बेटा जी, अब बेटा जी के बाबू जी, तो राम जी कौन है? तो भैया दशा जी के बड़े वाले बेटे। अब दशा जी कौन है? तो राम जी के बाबू जी। इसमें कहाँ कुछ बताए आप? नहीं बताए कुछ, बताए नहीं ना, बताए एक दूसरे के बारे में। तो अब कहोगे सर रियल नंबर्स क्या है? तो रेशनल और इरेशनल को कंबाइंडली रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, और रेशनल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर का टाइप होता है। गजब हालात, ऐसा थोड़ी ना होता है। रियल नंबर्स का भी अपना डेफिनेशन है भाई, है? तो चलो, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्क्वायर आर नॉन निगेटिव। चलो, तो ये सारे सारे कोफिशियंट यहाँ पर क्या होंगे? रियल होंगे। और एक कंडीशन था उसमें, याद करो, ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों भाई? क्योंकि हमने उसमें लिख रखा था डिग्री, क्या लिख रखा था? एन। डिग्री एक वर्ड था, हाँ, डिग्री भी एक वर्ड था। हम लोग बात करेंगे अभी इसकी, यहीं से स्टार्ट करने वाले अपना डिस्कशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। तो देखो क्या है, तो डिग्री इन, डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। बोलो ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। तो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज करा गया? एक्स है वेरिएबल, एक्स है सर, एक्स पावर एन नहीं है, वेरिएबल क्या है? एक्स है।
अब उसका एक्सपोनेंट अगर चेक करें तो यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, टू है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये जो लास्ट में होगा वो लार्जेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो डिग्री एन कहा गया, मतलब ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इन वर्ल्ड वेरिएबल, उसको क्या कहते हैं, उस पॉलीनोमियल का डिग्री कहते हैं, उस पॉलीनोमियल का डिग्री कहते हैं। ठीक है सर। तो अगर ए एन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो डाल दें, इनके से जीरो डाल दें, तो जीरो मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज नाउ द लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, विल बिकम एन माइनस वन, क्या हो जाएगा, अब तो डिग्री एन नहीं रहा, डिग्री एन रहा, अब डिग्री हो जाएगा एन माइनस वन। तो सारा कहानी उलट पलट जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मेरी बात समझिए, ये था जनरल फार्मूला इसका, या फिर जनरल फॉर्म कह सकते हो, फार्मूला कहना गलत बात है। ठीक है, तो अब कोई पॉलिनोमियल है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस, यहाँ पर एक्सपोनेंट जो देखे थे यहाँ जीरो से स्टार्ट होकर के एन तक गया था, कोई रेशनल था क्या, रेशनल था नहीं था, सब क्या था, इंटीग्रल था, सारा का सारा एक्सपोनेंट क्या था, इंटीग्रल, जीरो से लेकर के एन तक। तो वन से जितने सारे राइट साइड में रहते हैं, नंबर लाइन पर याद करो, तो राइट साइड ऑफ जीरो जितने सारे होते हैं उसको क्या कहते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हो, और इसके लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स कहते हो, और ये लेकिन साथ में तो जीरो भी है, यहाँ तो जीरो भी आ रहा है। यहाँ पर भी देखोगे तो सिक्स को क्या कर सकते हो, सिक्स मल्टीप्लाइड एक्स की पावर जीरो, यहाँ भी एक्स का पावर जीरो है, तो जीरो को भी ले रहा हो, तो पॉजिटिव तो ले रहा हो साथ में जीरो भी ले रहा हो, तो किसको छोड़ दिए बेटा, निगेटिव को छोड़ दिए। तो जीरो के साथ अगर पॉजिटिव को इंक्लूड कर लिए तो निगेटिव को स्किप कर दिए, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है वो आइदर जीरो या फिर पॉजिटिव होगा। वट एवर द थिंग, वट एवर द नंबर विच इज नॉट एन निगेटिव इंटीजर, वो क्या होगा, आइदर जीरो और पॉजिटिव, इसलिए कहा गया नॉन निगेटिव। उसका पावर क्या होगा, इन वर्ल्ड वेरिएबल का पावर क्या होगा, नॉन, बाकी हम लिखा दिए थे उस दिन कॉपी में। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये पॉलीनोमियल होगा कि नहीं होगा, पावर कितना है पर टू है, पावर यहाँ पर कितना है वन है, यहाँ पर कितना है जीरो। सारे के सारे जो एक्सपोनेंट है यूज्ड वेरिएबल का, मतलब एक्स का, वो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसमें कोई तकलीफ है नहीं बउआ। देखो अब इसमें हाइएस्ट पावर जो वेरिएबल का होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ, टॉपिक डाल दोगे डिग्री ऑफ, द हाइएस्ट पावर ऑफ किसका बउआ, इन्वॉल्व या फिर कह सकते हो यूज्ड वेरिएबल, बात है कि इन्वॉल्व वेरिएबल या फिर अननोन, वेरिएबल को अननोन भी कहते हैं, वेरिएबल या फिर अननोन, कहाँ पर वो इन्वॉल्व वेरिएबल है, कहाँ, इन अ पॉलिनोमियल बोलते चलो। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, तो अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो नहीं कि जो हम लिखा रहे हैं वही लिखना है, अगर अच्छा अंग्रेजी हो तुम लोग का, हमारा नहीं है, ठीक है, और लिखने आता हो तो तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, द हाइएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स व्हाट, डिग्री। उसको क्या कहते हैं बेटा, डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स थ्री एक्स टू पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस नाइन। देखो एक तो पहला चीज़ यहाँ देखोगे, जरा सा देखो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, हम नहीं पढ़ाए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ने नहीं पढ़ाया है, लेकिन सुन लो, याद रखना है, सब कुछ को लिखना जरूरी नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि जो एक्सपोनेंट होंगे, यहाँ पर जितने सारे टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल एक्स यूज करा गया, पहली बात। दूसरी बात, उस एक्स का कुछ क्या है, एक्सपोनेंट है, उस एक्स का कुछ एक्सपोनेंट है, उस एक्स का कुछ पावर है कि नहीं। अब वो पावर होगा तो पावर मस्ट बी आइदर इन इंक्रीजिंग और, क्या दिक्कत है दोनों दीदी को, पहले तो मास्क निकालो तुम तो।
मास्क के अंदर से दांत कितना निकल रहा है पता नहीं चल पाता है। हाँ अब बढ़िया। हाँ उसको हाथ में रख लो, अब हंसो तो देखें, हंस के दिखाओ। हाँ काहे हंस रहे हो, नहीं दिख रहा भाई, बोलवा बंद करो रे वो वाला। अब दिख रहा बोला, हंसने से होगा कि तकलीफ बताने से होगा? नहीं बताइएगा डॉक्टर कह जाइए। हाँ हंस रहे हैं तो कैसे समझेगा कि भाई क्या तकलीफ है आपको? है तो कहेगा नहीं, हंसने वाला दवा दे देगा, ऐसा दवा देगा कि कष्ट हो आपको, अब हंसना बंद, अब रोइएगा। हाँ चलिए, तो क्या होगा, ये होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, कौन एक्सपोनेंट ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल, जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा तो पॉलीनोमियल क्या कहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, आइदर इंक्रीजिंग और जो हम जनरल फॉर्म लिखे थे उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके एंड तक। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया, 4 के बाद 2 समझ में आता, लेकिन 2 के बाद 3 हो गया, पहले घटा फिर बढ़ गया, तो ठीक है यहाँ है तो चलेगा, लेकिन जब भी आप पॉलर में लिखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि भैया ऐसा गलती ना करें, यहाँ 7x³ और -5x², यही समझाना था यहाँ हमको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हेयर बउआ, द हाइएस्ट पावर, अच्छा इन्वॉल्व वेरिएबल कौन है, कौन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, पावर ऑफ एक्स कहाँ, इन पॉलोमियल पी एक्स, ये कितना बउआ, कितना है, ये दिख रहा है 4, सही खड़ा हो जाओ बेटा, हाईएस्ट पावर एक्स कितना है इसमें, इधर है 4, इधर वाला 4 ना, ये वाला 4 ना, अच्छा ये वाला पक्का, अच्छा मान लिए चलो ठीक है, बैठ जाओ, ये हो गया 4, तो देयर फोर क्या हो जाएगा, डिग्री या तो फिर ऑफ लगा दो, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स लिख लो, या फिर डिग्री कॉमा पी एक्स डायरेक्ट, ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये काम तब करते हैं हम लोग, पीछे कुछ है का, हम बार बार कहते हैं कि पीछे कुछ नहीं है, अब तो गेट भी बंद हो गया है, फिर भी देखने के लिए तैयार हो, हैं चलो, तो डिग्री इस पॉलीनोमियल का कितना है बेटा, 4 आया, क्लियर है मेरी बात, फिर देख रहे हो बेटा, भेज देंगे बाहर, ना ना भाई जी, प्रांजल भाई जी, मतलब मन नहीं ना भरता, एक देखा था दूसरा तीसरा चौथा, क्लास डिस्टर्ब, कोई सुन पड़े नहीं है उधर। हाँ चलो, इसका डिग्री कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, कोई तकलीफ इसमें, अब चलो अब हम लिख दिए यहाँ पी एक्स वाई, अब डिग्री निकालो, 3x² y³ प्लस 2xy³ -5x² y प्लस 7xy प्लस 9, इसका डिग्री बताओ कितना होगा, शौक लगा, शौक लगा, हाँ क्या लगा, शौक लगा, लगा कि नहीं लगा शौक, भाई अभी तक 1 वेरिएबल का बात कर रहे थे, अब लगा दिए 2 वेरिएबल, कहाँ से लाए भाई हम, है 3 होगा ना, कौन बोला भाई, हाँ सही बोल रही है, क्या लग रहा है, पता नहीं 3 होगा पक्का, क्यों होगा, थैंक यू, बैठ जाइए, बैठे ही रहिए, बैठे हुए यहाँ, जब भी क्या होगा वो, इसलिए हमने 2 एग्जांपल अभी कराया कि वेन एवर यू हैव ओनली 1 वेरिएबल इन द गिवन पॉलीनोमियल, लुक इफ यू हैव गिवन ओनली 1 वेरिएबल इन द पॉलीनोमियल तो भैया उसमें क्या होगा, उसका हाईएस्ट पावर, बात सही है, लेकिन इफ देयर इज मोर देन 1 वेरिएबल इन एनी पॉलीनोमियल, इफ देयर इज मोर देन 1 वेरिएबल गिवन इन एनी पॉलीनोमियल देन यू हैव टू वर्क टर्म वाइज, टर्म समझते हो, ओ दीदी इधर देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा था चेहरा काहे है, इधर देखिए, जब भी क्या होगा मोर देन 1 वेरिएबल्स दे रखे हैं एक ही पॉलीनोमियल में, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू व्हाट, वर्क टर्म वाइज, टर्म वाइज कहने का मतलब क्या हुआ, इन अ सिंगल टर्म व्हाट एवर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर यूज्ड देयर जस्ट ऐड देयर एक्सपोनेंट्स, ऐड देयर एक्सपोनेंट्स मीन्स दैट अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ इन दोनों के एक्सपोनेंट का सम कितना हो जाएगा बेटा 5, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1, 3
फोर टू वन थ्री वन वन टू। एंड जो मैक्सिमम ऑफ सम होगा ना, जो हाईएस्ट सम का वैल्यू होगा वो इसका क्या होगा, डिग्री होगा। ये याद रखना है, समझ लेना है, इसको लिखा नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आने जा रहा आपके एग्ज़ाम में, लेकिन हो सकता है आपका जो मॉड्यूल होगा उसमें होगा। मॉड्यूल मिला है पॉलीनोमियल का तो उसमें होगा, हो सकता है, इसलिए हम बता दिए। ठीक है सर, तो जब भी मोर देन वन वेरिएबल्स आर यूज इन अ पॉलीनोमियल ऐसा केस मिलेगा, देयर आफ्टर यू हैव टू ऐड द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स यूज इन अ सिंगल टर्म एंड देयर आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सम ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ एनी टर्म। जो मैक्सिमम सम होगा वही क्या होगा, डिग्री होगा उस पॉलीनोमियल का। दो वेरिएबल यूज किया है तो बेटा यहाँ एक्स वाई दोनों को लिखे, पॉलीनोमियल इन एक्स एंड वाई। क्लियर है मेरी बात? तो हेयर क्या लिखेंगे, सिंस द मैक्सिमम सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई इन अ टर्म, किसी एक पर्टिकुलर टर्म में, वो कितना हुआ, फाइव है। दज डिग्री किसका, पी एक्स वाई का, ये कितना हो जाएगा बुआ, अरे फाइव हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें बता लो? अगर यहाँ पे थ्री मतलब टू हो गया तो थ्री फाइव कुछ भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सब में क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, एक टर्म में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उन सारे के एक्सपोनेंट को ऐड करके चेकआउट करना है, टर्म वाइज सारे का पहले सम निकाल लेना, उसमें फाइंड आउट करना मैक्सिमम वाला। ये समझ में आया, आ गया, चलो नोट कर लो। बहुत बढ़िया, हो गया वो। लिखोगे क्या, लिखोगे टॉपिक डालोगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, उसके साथ हम लोग डिस्कशन करे थे कल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे टाइप्स का होता है, इसे क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल, ये सब आता है ना, नहीं आता है, आता है वेरिएबल कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन आता है, नहीं बता आता है ना, हाँ हमको नहीं आता इसलिए पूछ ले रहा है, हमको आई भी नहीं करता, हम कैसे लिखवा दें, प्रूफ है, हाँ अच्छा चलो, कभी अपने भी गलतियों का हिसाब जोड़ लिया करो, दूसरों गलती तो हर कोई ढूंढ रहा है, हाँ? अच्छा छाई बता रहे, अरे वाह, वो भी अपना वाला ही ढूंढ लो, चलो बहुत अच्छा ही है ना, आप बहुत अच्छे बउआ हो। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, तो देखो पॉलीनोमियल्स को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इट हैविंग, जितने नंबर ऑफ टर्म्स का कंटेन करता है, लेकिन उसके बेसिस हम लोग कैटेगराइज नहीं करेंगे, समझ लेंगे कि किसी पॉलीनोमियल के पास सिंगल टर्म है तो मोनोमियल हो जाएगा, एक्सप्रेशन नहीं पॉलीनोमियल, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे। दूसरा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिग्री के बेसिस पे, किस पे है, डिग्री के बेसिस पे, सुन लो, लिख तो लेना जिंदगी भर है, हैं, लिख लिए थे वो याद था क्या, अभी जो लिखे थे वो याद था अभी, सुन लो, वो भी नहीं है याद रहने वाला, हम समझ रहे हैं, चलो क्या लिखोगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स, डिग्री के बेसिस पे पॉलीनोमियल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जैसे तुम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो बचपन से,
पढ़े हो ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास एट्थ में जब प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ रहे थे तो इन दैट यू हैव गॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल वाला कहाँ नहीं मिला था, तो क्या था लीनियर इक्वेशन था, यहाँ मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल। उसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम वाला कितना था, वन था, मैक्सिमम क्या मिनिमम भी वही था, मैक्सिमम भी वही था, वन नहीं होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुने हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुने हो, पावर उसमें टू रहेगा वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसी तरह से एक्चुअली जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो पॉलिनोमियल के हेल्प से होता है, करेंगे बात कभी उसकी, लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, किस बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, पॉलिनोमियल्स आर कैटेगराइज्ड as follows, first one वहीं से start होगा linear polynomial, क्या linear polynomial जिसका degree कितना होगा, linear आ गया मतलब degree कितना होगा बेटा one, linear polynomial of polynomial of degree one, of polynomial of, ये तो खुद से भी कर सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड वगैरह नहीं लगा रहे हैं, जिसका डिग्री वन है उसको क्या कहें, और जिसका डिग्री टू होगा, और जिसका डिग्री थ्री होगा क्यूबिक हो जाएगा, और जिसका डिग्री फोर होगा, अरे वाह सब जानते हो, अब क्या चाहिए, तुम लोग तेज विद्यार्थी हो, जनरल फॉर्म क्या है, पी एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, एक्स का पावर कितना आ गया यहाँ पर, वन आ गया, यहाँ पर नथिंग मतलब जीरो है, जीरो है तो इसका मैक्सिमम पावर कितना हुआ, वन हुआ, मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, वन हो गया, डिग्री वन, तो उसको क्या कहें, पक्का ना, चलो वेयर ए एंड बी ये क्या है, आर कौन से नंबर्स हैं बेटा, रियल नंबर्स सच दैट कौन ए डज नॉट इक्वल टू, जो डिग्री वाला टर्म होगा ना, जो मैक्सिमम पावर ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल वाला टर्म होगा उसका कोफिशियंट हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि वो जीरो हो गया तो ये क्या बचेगा बी, तो हो जाएगा केवल कॉन्स्टेंट, डिग्री हो जाएगा जीरो, उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी पढ़ाना बाकी है, ठीक है, चलिए हो गया। एग्जांपल में कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस फोर, पी एक्स इक्वल्स टू फोर वाई, सॉरी वाई में लिख लिए तो फोर वाई माइनस या क्या प्लस सेवन एटसेट्रा, जब नहीं कि हम एक्स में ही रखें, पॉलिनोमियल वाई में भी हो सकता है, तो जो वेरिएबल यहाँ यूज होगा वहाँ ये यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, उसका लिखिएगा सेकंड टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा सा हाथ फास्टली चलाइए बेटा क्योंकि हम खुद बहुत लेट कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिएगा, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी ये तीनों क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स, यहाँ पर भी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, फॉर एग्जाम्पल लगा दीजिए, हो गया, हम चेंज कर दिए, आप लोग चेंज मत कर दीजिएगा,
तो आज बॉयज वाला ऑटो में कौन कौन था? तुम था, तुम ऑटो से आते हो ना, साइकिल से आते हो? प्रतीक और वो क्या नाम है, रोशन, सेवंथ का लक्षित, लक्षित है, यश है, तो यश तभी नहीं आ नहीं रहा, बेचारे का जन्म है। तुम कहाँ से आते हो? चलो थर्ड लिखोगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन बुआ? अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, हो गया लिख लो, अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री। इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर क्या हो जाएंगे, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल लिख लीजिए, पी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस एट, एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्सेट्रा। ये जरूरी नहीं कि सारे टर्म्स, सारे एक्सपोनेंट वाले टर्म्स लिखे जाएं, ये जरूरी कहीं से नहीं, एक्स क्यूब माइनस एट, इसमें तो हाईएस्ट पावर थ्री है ना बुआ, यहाँ एक्स का पावर जीरो है, यहाँ पावर थ्री है, तो जीरो और थ्री में हाईएस्ट कौन हो गया, जीरो, सॉरी थ्री हो गया, हो गया, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल। कुछ तकलीफ है? हाँ खराब जी, चलो भाई नेक्स्ट जो है वो क्या है, हम कर लेते हैं यहाँ पर चेंज थोड़ा सा, फोर्थ वाला टाइप हो जाएगा, बाकी तो और भी है लेकिन यहाँ पर इतना ही कर लेंगे। बाई क्वाड्रेटिक, इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री बेटा फोर हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा फोर, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री फोर, उसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक कर लेंगे। जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स एक्स ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर रियल नंबर्स सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटीन, एफ वाई इक्वल्स टू वाई टू पावर फोर माइनस सेवन एक्स क्यूब सॉरी वाई क्यूब प्लस फाइव वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस एट एक्सेट्रा। देखो हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पढ़ना है लेकिन डिग्री कुछ भी हो सकता है, डिग्री सेवन एट नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टी सब हो सकता है। करोगे आपस में बात घुनर घुनर, नहीं दिख रहा तो खड़ा हो जाओ, तुमको तो आगे बिठाए थे, मौका छोड़े तो जाओ रहो हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं, फैसिलिटी आपको दिया जाएगा तो हम तो सीट फिक्स कर देते क्या नहीं बैठे हैं, आपको तो चुगल वो करना है बउवा गुटर गु तो करो हैं, आपस में दोस्त ढूंढ लेना, उसी से बतियाना है तो बात करो, बात करो तो पढ़ लो देख लो अपना। चलो ये हो गया बउवा, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक, बाकी कुछ पॉलीनोमियल से टाइप्स अभी बाकी हैं, वो करेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, इट मे की ऑन मंडे, बीच में पूरा फैक्टरेशन ट्राई करना है कंप्लीट कर लेने का, ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।